अगर आप फ्लाइट जर्नी करने वाले हो गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ फ्लाइट जर्नी रिलेटेड। बेसिकली विंडो सीट कैसे बुक करना है, वेब चेक इन कैसे करना है, एयरपोर्ट पहुंचने से लेके एयरपोर्ट एग्जिट तक मैं सब बताऊंगा, लगेज कैसे चेक इन करना है, सिक्योरिटी चेक क्या होता है, ऑल काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। प्लस लेओवर फ्लाइट्स में आपको क्या करना रहता है, आप एयरपोर्ट टर्मिनल से फ्लाइट तक प्लेन तक कैसे पहुंचोगे। तो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको खाना मिलेगा कि नहीं, फूड ऑप्शंस क्या है, और फ्री में अगर आपको फूड खाना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्लस मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप कैसे अपना 3,000 रुपीज बचा सकते हो अपने फ्लाइट पे, एंड लगेज आपको कहाँ से लेना है, सब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो गाइज, वेलकम टू माई चैनल ट्रैवल डाइज ऑफिशियल, एंड वीडियो को इन तक जरूर देखें। प्लस अगर आपको ये वीडियो एंड कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें अपने फेलो ट्रैवलर्स के साथ। सो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी बात करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। तो फर्स्ट स्टेप ये है, आपको वेब चेक इन करना है 48 आवर्स जर्नी से पहले। तो विंडो जो है 48 आवर्स पहले खुलता है। तो वेब चेक इन COVID-19 के बाद से मैंडेटरी है, तो आपको वेब चेक इन जरूर करना है। इसके लिए आपको, अगर आप इंडिगो से ट्रैवल कर रहे हो तो आप गूगल में जाओ, इंडिगो वेब चेक इन टाइप करो, आप जो पहला लिंक है उस पर क्लिक करके आप ये वाला लैंडिंग पेज पे पहुंचोगे। यहाँ पे आपको PNR नंबर या बुकिंग रेफरेंस नंबर आप डालो, या तो ईमेल या तो लास्ट नेम, एंड देन चेक इन कर लो। हो गया आपका चेक इन, फैंटास्टिक। यही पे आप विंडो सीट अपने लिए चूज कर सकते हो। जनरली एयरक्राफ्ट के पीछे जो है वो जो सीट्स है वो थोड़े चीप रेट में मिलते हैं, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। एंड स्पाइस जेट के लिए भी वही करना है। अगर आप स्पाइस जेट से ट्रैवल कर रहे हो तो स्पाइस जेट वेब चेक इन टाइप करो गूगल में, एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज टू गो अहेड एंड चेक इन। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, यूजिंग ईमेल, यूजिंग नेम, आप ऊपर से उसको चेंज करके देन PNR नंबर एंड ईमेल, या PNR नंबर एंड नेम डाल के आप चेक इन कर सकते हो। गो फर्स्ट का भी वही है, गूगल में आप जा सकते हो, वेब चेक इन कर लो। एंड एक बात ध्यान रखें, ये मैंडेटरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। अप टू 48 आवर्स जर्नी से पहले ये ओपन होता है इसका विंडो। अगर आप वेब चेक इन करते हो तो यू विल सेव अराउंड 200 रुपीज, क्योंकि नहीं तो अगर आप जाके एयरपोर्ट में चेक इन करते हो तो यू विल हैव टू पे 200 रुपीज देयर। तो दैट इज अनदर थिंग दैट नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड। एयर एशिया का भी मैं दिखा देता हूँ, सेम प्रोसेस है, वही आपको टाइप करना है, एंड यू विल गेट दिस पेज, PNR नंबर, बुकिंग रेफरेंस नंबर, लास्ट नेम, ईमेल। सो गाइज, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको एयरपोर्ट टाइम पे पहुंचना है। अगर आप डोमेस्टिक फ्लाइट ले रहे हो तो एटलीस्ट 2 घंटा पहले आप एयरपोर्ट पहुंच जाओ। अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट्स ले रहे हो तो आप एटलीस्ट 4 से 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाओ। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, आपके पास अगर लगेज बहुत ज्यादा है या आप लगेज को कैरी नहीं करना चाहते हो तो आप ट्रॉली ले सकते हो, जो कि आप आगे देख रहे हो। ये ट्रॉली फ्री ऑफ चार्जेस है, नो चार्ज फॉर दिस, तो आप ट्रॉली को यूज कर सकते हो। गेट पे, एंट्रेंस गेट पे आपको अपने टिकट और आपका आईडी कार्ड दिखाना पड़ेगा अंदर जाने के लिए। जो CISF पर्सनल है वो आपके टिकट को और आपके आईडी कार्ड को चेक करेंगे। दोनों चीज में आप सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हो, आईडी कार्ड भी सॉफ्ट कॉपी।
आपको स्कैन करवाना है। सो बेसिकली जो भी रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स है जैसे नेल कटर वगैरह, नाइफ वगैरह, ये सब आप ले नहीं जा सकते और इसी का चेकिंग यहाँ पे होता है। सो गाइज अभी टाइम है थोड़ा मस्ती और मजे करने का। अभी आप एयरपोर्ट के अंदर आ गए हो, सिक्योरिटी चेक, लगेज चेक इन सब कुछ हो गया है एंड अभी आप शॉपिंग कर सकते हो, अभी आप फूड एक्सप्लोर कर सकते हो। बट फूड जब आप एक्सप्लोर करोगे तो हमेशा याद रखना कि आप KFC, मैकडोनल्ड्स, स्टारबक्स ये सब प्रेफर करो, क्योंकि नॉर्मल जो शॉप्स हैं वो ओवरप्राइस्ड रहते हैं, तो ये बात का ध्यान जरूर रखें आप। नेक्स्ट, अगर आपके पास सिलेक्टेड बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं जैसे HDFC बैंक के, ICICI बैंक से या सिटी बैंक के, तो आप लाउंज एक्सेस कर सकते हो अगर उस पर्टिकुलर कार्ड में आपका लाउंज एक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अगर आप लाउंज एक्सेस करते हो तो दैट विल सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। आप 500,000 रुपीज का जो फूड बिल आप दोगे एयरपोर्ट में, ये आपको बच जाएंगे, क्योंकि अगर लाउंज एक्सेस करते हो तो वो आपके 1 या 2 रुपए में आपके काम हो जाएगा। आप जाके अंदर खा सकते हो, रेस्ट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। सो गाइज, आफ्टर अ हार्टी मील एट द लाउंज हम अभी बोर्डिंग के लिए प्रोसीड कर रहे हैं, विच इज अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेप। आपको बात ये ध्यान जरूर रखना है कि आपका जो बोर्डिंग गेट नंबर है आपके बोर्डिंग पास में दिया हुआ रहेगा एंड बोर्डिंग गेट्स क्लोजेस 20 मिनट्स प्रायर टू डिपार्चर, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। बेसिकली बोर्डिंग का जो टाइम स्टार्ट होता है वो अराउंड 40 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ डिपार्चर होता है, तो ये बात आपको ध्यान जरूर रखना है। एंड देर आर 2 ऑप्शन, या तो आप एरोब्रिज से जा सकते हो या तो बस से जा सकते हो, जो एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट डिपेंड करता है, फ्लाइट टू फ्लाइट डिपेंड करता है ये चीज़। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ जो है वो एरोब्रिज से लेके जाते हैं, कुछ कुछ फ्लाइट करियर, कुछ कुछ पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए, कुछ कुछ पर्टिकुलर फ्लाइट के लिए बस से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हम बस से आए हैं और अभी हम वेट कर रहे हैं बोर्डिंग के लिए। सो गाइस, फाइनली बहुत वेट करने के बाद हमारा बोर्डिंग हो गया है, हम बैठे हुए हैं एंड वी आर ईगर टू स्टार्ट दिस जर्नी। हमारा जो फ्लाइट है ये लेओवर वाला फ्लाइट है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा कि लेओवर में आपको क्या करना है, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जो आपको जानना जरूरी है, प्रोसेस है जो आपको जानना जरूरी है। तो एज आई सेड, वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइज, बोर्डिंग कम्प्लीट एंड वी आर रेडी टू टेक ऑफ। यस गाइज, अभी हम टेक ऑफ करने वाले हैं। ये अभी जो मेन एंड एक्चुअल रनवे है वहां पे जा रहे हैं पार्किंग बे से। तो यस, एक्साइटेड, होप यू आर ऑल्सो एक्साइटेड वाइल वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना गाइज प्लीज। सो गाइज, अभी बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में। ये जो स्टेप है ये सबके लिए नहीं है, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिला है कोई डेस्टिनेशन के लिए एंड दे आर टेकिंग अ लेओवर फ्लाइट वाया फ्लाइट बेसिकली। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपको मुंबई जाना है और आपका लेओवर हैदराबाद एयरपोर्ट में है, हैदराबाद एयरपोर्ट से आपको नेक्स्ट फ्लाइट लेना है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जैसे ही आप हैदराबाद एयरपोर्ट उतरोगे तो आपको नेक्स्ट स्टेप जो करना है वो होगा जहाँ पे आपको चेक इन करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक इन होता है, आपका लगेज चेक इन नहीं होगा, लगेज आपको डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे ही मिलेगा, लेकिन सिक्योरिटी चेक फिर से होता है जो भी आप एयरपोर्ट में वाया फ्लाइट के लिए उतरते हो। तो ये बात आपको ध्यान रखना है बेसिकली। सो फिर से हम जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक करने के लिए एंड फिर सिक्योरिटी चेक करके हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप्स बताने के लिए। सो गाइज, अभी हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है एंड दिस टाइम अराउंड हम लोग लाउंज एक्सेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। इन द नेक्स्ट 15 मिनट्स बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। लाउंज का एक्सेस अगर आपके पास है तो आप जरूर यूज करें उसको, सो दैट आपके बहुत सारे पैसे बच जाए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो गाइज, व्हाट अ फैंटास्टिक कोइंसिडेंस, इस बार हम एरोब्रिज से जा रहे हैं। लास्ट टाइम
जब बोर्डिंग करे थे हम लोग, तो हम लोग बस से गए थे जैसे कि आपने देखा होगा, लेकिन इस बार हम एरोब्रिज से जाएंगे। तो आपको दोनों का एक्सपीरियंस मैं बता देता हूँ। एरोब्रिज से बेसिकली आप डायरेक्टली फ्लाइट के अंदर चले जाओगे, लेकिन अगर बस से जाते हो तो आपको उतरना पड़ेगा, फिर आपको सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ेगा, तो वैसा रहता है। नाउ दिस इज अ वेरी गुड थिंग, जब एरोब्रिज रहता है तो अच्छा रहता है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है बोर्डिंग में एंड आप डायरेक्टली अंदर चले जाते हो। तो दैट इज रियली रियली फैंटास्टिक अबाउट एरोब्रिजेस। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर एंड होप कि बोर्डिंग कंप्लीट हो जाए जल्दी। थोड़ा टायरिंग तो होता ही है एट द एंड ऑफ द डे फ्लाइट जर्नीज, बट यस ये चीज है कि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सो दैट इज अ वेरी वेरी फैंटास्टिक थिंग अबाउट फ्लाइट जर्नीज। सो गाइज हमारा फ्लाइट टेक ऑफ हो गया है एंड हम कुछ ही देर में पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन पे। दिस इज बेसिकली 1 आवर फ्लाइट, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे एंड बहुत एक्साइटेड भी है। बहुत अच्छा लगा हमें ये ट्रैवल करके। होप आपको भी कुछ इस वीडियो से हेल्प हुआ होगा, तो अगर हेल्प हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाउ द नेक्स्ट एंड फाइनल पार्ट कि आपको लगेज कहाँ से लेना है। आपने जो चेक इन किया हुआ जो आपका बैगेज है वो आपको कहाँ से मिलेगा, तो द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट दैट। जो बेसिकली जब आप फ्लाइट से डीबोर्डिंग करोगे तो आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई देगा जहां पे वो बोलेंगे कि आपका जो बैग है ये वाला बेल्ट नंबर पे अवेलेबल रहेगा। फॉर एग्जांपल बेल्ट नंबर 1, बेल्ट नंबर 2, बेल्ट नंबर 3, बेल्ट नंबर 4, सो ऐसे आपको बोल दिया जाएगा। एंड जैसे ही आप एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर जाते हो, आप अपने उस बेल्ट नंबर के हिसाब से वो बेल्ट के पास जाके आप जब खड़े हो जाओगे एंड उसके बाद आपको आपका बैग मिल जाएगा। नाउ जब भी आप बैग अपना कलेक्ट करते हो तो ये बात का ध्यान जरूर रखें कि आप टैग चेक कर ले, सो दैट देयर इज नो कन्फ्यूजन। नहीं तो बहुत बार इतनी ये होता है कि किसी और का बैग आप उठा के लेके आ गए, तो वो नहीं होना चाहिए, तो समथिंग लाइक दैट। तो ये बात का आप ध्यान जरूर रखें। सो गाइज होप आपको ये वीडियो पसंद आया। कमेंट, लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। हैव अ फैंटास्टिक फ्लाइट।